नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने कसौंधी का पौधा लेकर आया हूं। किसी प्रकार का जहरीले कीड़े अगर आपको काट लिया है तो इसके पत्तों का रस निकाल कर उस जगह उस स्थान पर लगाने से जहर का असर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। दोस्तों, जैसे जहरीले कीड़े में बर्रे, ततैया, मधुमक्खी या फिर खतरनाक मच्छर या मकड़ा या फिर बर्रे या फिर बिच्छू या सांप, तो इस तरह से दोस्तों इसे विषनाशक के रूप में आयुर्वेद में दर्शाया गया है। उसके बाद दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार यह पौधा जो है, यह जड़ी बूटी जो है, दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, अकवा, तपरस, हर तरह के त्वचा रोग, चर्म रोग पे भी फायदेमंद है। दोस्तों, यह विष को नाश करने वाला एक जड़ी बूटी है। यह प्रसाव पीड़ा को नष्ट करता है, धातु को पुष्ट करता है, पीलिया रोग में फायदेमंद है, श्वास रोग में फायदेमंद है, पेट के कीड़े मारने में भी उपयोग किए जाते हैं। दोस्तों, यह सुजाग रोग में भी काफ़ी फायदेमंद है। मिर्गी, पागलपन, हकलापन, तुतलापन, जड़ी बूटी, कमला रोग, पीलिया रोग, हिचकी रोग, जलंधर रोग, दोस्तों चाहे जैसा भी सड़ा गला घाव हो, घाव में कीड़े पड़ चुके हो, हर तरह के घाव को, विषैले घाव को यह ठीक करता है। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर एक एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं जो हर तरह के जहरीले बैक्टीरिया को नष्ट करता है। यह बहुत ही नामचीन पौधा है और बहुत ही काम का पौधा है। देख लीजिए दोस्तों, पहचान लीजिए। दोस्तों, अगर किसी को धातु कमजोरी है तो काशमर्द कसौंधी का जड़ का काढ़ा बनाकर 20 ml तक पिलाने से धातु रोग बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है। और दोस्तों, अगर किसी को बहुत ज़्यादा शरीर में कमजोरी, उठने बैठने को नहीं हो रहा है, तो करीबन इसके 5 ग्राम बीज को गाय के घी में भूज कर, तल कर, पीस कर, पाउडर बनाकर सेवन कराने से ताकत आता है, शरीर के अंदर हर तरह का विषैला पदार्थ नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, शरीर की कमजोरी में इसके जड़ का काढ़ा बनाकर 20 ml तक सुबह शाम पिलाने से शरीर की सारी कमजोरी नष्ट होने लगता है, ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर किसी को सफ़ेद दाग है तो इसके पत्तों, कोमल कोमल पत्तों को लेकर पीस कर उसका चटनी बना लीजिए और उस चटनी के साथ में मूली का बीज भी पीस लीजिए। जैसे मान लो 10 ग्राम अगर कसौंधी का पत्ता है तो 20 ग्राम मूली का बीज लेकर उसमें पीस लीजिए और फिर दोनों को 4 गुना गंधक डालकर उसे पेस्ट बनाना है। और फिर जिसको सफ़ेद दाग है, उस सफ़ेद दाग त्वचा रोग होता है, कुष्ठ रोग, उसमें लगाना है। तो दोस्तों, ऐसा अगर 3 महीना आप करते हैं तो आपको सफ़ेद दाग धीरे 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 ठीक होने लगेगा। दोस्तों, अगर किसी के कान के अंदर कोई कीड़ा घुस गया है और कान में दर्द कर रहा है, बहुत काट रहा है, चुभन कर रहा है, निकल नहीं रहा है, तो इसके कोमल कोमल हरे हरे पत्तों को लेकर उसे थोड़ा से पीस कर उसका रस निकाल कर आग में गर्मा कर और दो दो बूंद, तीन तीन बूंद कान के अंदर डालने से दोस्तों कान के अंदर जो गया हुआ कीड़ा है वह बाहर निकल जाएगा भाग कर, या तो फिर अंदर ही मर जाएगा इसके जहर के असर से। दोस्तों, इसके फायदे इतने ही नहीं है। अगर किसी को गले में गलकंड है तो उस गलकंड में क्या करना है, कम से कम इसका 10-20 ग्राम पत्ता लेकर 3-4 काली मिर्च डालकर पत्थर सिल्म उसे पीस कर और उसका चटनी बनाकर, लुगदी बनाकर गलकंड के गांठ के ऊपर रखने से गलकंड का गांठ धीरे धीरे 1-2 महीने के अंदर गल जाता है, ठीक हो जाता है। दोस्तों, यह बहुत ही फायदेमंद आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। दोस्तों, देख लीजिए, पहचान लीजिए। तो अगर किसी को बार बार मिर्गी का दौरा पड़ता है तो ज्यादा नहीं, इसका पूरा का पूरा पेड़ का जो है धूप में सुखाकर पाचक बना लीजिए और उस पाचक को करीबन 5 से 10 ग्राम दिन में 3 या 4 बार पिलाने से दोस्तों मिर्गी का दौरा पड़ना जो है बंद हो जाता है। इतना फायदेमंद, अद्भुत, चमत्कारी है यह जड़ी बूटी। दोस्तों, स्त्रियों में पाए जाने वाले एक सबसे खतरनाक बीमारी जिसे हिस्टीरिया कहते हैं, पागलपन का दौरा पड़ता है, बहुत से ऐसे स्त्री होते हैं, उन स्त्रियों के लिए भी यह बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, अद्भुत चमत्कारी जड़ी बूटी। दोस्तों, इसके फूलों को सुखाकर चूर्ण बनाकर मात्र हिस्टीरिया रोगी के नाक में सुंघाने से ही हिस्टीरिया रोग जो है बिल्कुल शांत होने लगता है। और अगर इसके फूलों को काढ़ा बनाकर 10 ml या 20 ml दिन में 2 बार पिलाया जाए तो भी हिस्टीरिया रोग बहुत जल्दी शांत हो जाता है, ठीक हो जाता है। दोस्तों भयंकर से भयंकर दमा रोगी के लिए भी यह बहुत ही फायदेमंद जड़ी बूटी माना जाता है। सात के दिनों में जब यह हरा भरा रहता है, बिल्कुल साफ सुथरा रहता है और यह जब नया नया पैदा होता है जिसके पत्ते कुछ बड़े बड़े होते हैं और धीरे धीरे जब समय गुजरता जाता है जिसके पत्ते छोटे होने लगते हैं, तो दोस्तों जब यह नया नया पत्ता उत्पन्न होता है तो बहुत खूबसूरत पौधा दिखाई देता है।
उस समय इसके कोमल कोमल पत्तों को लेकर साग बनाकर दमा रोगी खिलाने से बहुत अच्छा फायदा होता है, फेफड़ों में ताकत आता है। लेकिन सिर्फ बरसात के दिनों जो नए नए पत्ते और कोमल साफ सुथरे पत्ते, उन्हीं पत्तों का इस्तेमाल करना है और बस चार पांच पत्तों का ही साग बनाकर खाना है दोस्तों। ज्यादा सेवन नहीं करना है, यह हानिकारक भी होता है और दोस्तों दमा रोगियों के लिए भी काफी फायदेमंद है इसका फली। जब इसका फली दोस्तों हरा हरा रहता है तो उस समय इसके फली को तोड़कर आग में भूनकर पीसकर इसका चूरन बना लीजिए और इसके फली के चूरन में थोड़ा काला नमक मिलाकर धीरे धीरे एक एक चुटकी करके दिन में 3 बार दमा रोगी को चटाने से दमा रोग बिल्कुल शांत होता है, ठीक होता है। दोस्तों इसके पत्तों का रस जो है निकालकर शहद मिलाकर चटाने से उल्टी भी रुकता है। जैसे मान लीजिए 5 ग्राम इसके पत्तों का स्वरस हो और 10 ग्राम शहद मिलाकर रोगी को चटाने से उल्टी रोग बिल्कुल शांत होता है, ठीक होता है। दोस्तों एक तरह से यह दवा नहीं अमृत है, लेकिन जो इसका सही उपयोग करने का तरीका जानता है उसके लिए अमृत है और जो लोग इसके सही तरीके का उपयोग नहीं कर सकते उनके लिए यह जहर भी है। दोस्तों पीलिया रोगी के लिए भी रामबाण औषधि है। अगर किसी को पीलिया है तो ज्यादा नहीं इसके 2-3 पत्तों को पीसकर 10 ग्राम रस निकालकर गन्ने के जूस में मिलाकर सुबह शाम दिया जाए तो बिल्कुल पीलिया 3-4-5 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों यह कसौदी कासमर्द बहुत ही फायदेमंद है बवासीर के लिए। बवासीर 2 प्रकार का होता है, एक खूनी होता है एक बादी होता है। बादी बवासीर में मासा निकला रहता है गुद्दा द्वार के बाहर और खूनी बवासीर में खून निकलता है, लैट्रिन बहुत टाइट होता है जिसकी वजह से अंदर के आंत में खरोच लगता है जिसकी वजह से खून निकलने लगता है। तो ऐसे रोगियों के लिए भी दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है यह कासमर्द कसौदी का बीज। करीबन इसके 10-15 बीज ले लीजिए इस तरह से गिन कर निकाल कर और 1-2 काली मिर्च लेकर इसे पीस कर और सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच पिला दीजिए बनाकर, तो दोस्तों उसका जो है बिल्कुल बवासीर एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर शरीर में उत्तेजना लाना चाहते हो, काम दीपन बढ़ाना चाहते हो तो फिर आपको करना ये होगा, इसके बीजों को करीबन 10-15 ग्राम बीजों को गाय के घी में धीरे धीरे भूज कर और भूजने के बाद उसका पाउडर बनाकर मात्र 1 चुटकी दूध के साथ खाने से शरीर के अंदर ताकत आएगी, नस नस में गर्मी भर जाएगा और शरीर के अंदर उत्तेजना का उफान पैदा हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही फायदेमंद यह पौधा है या जड़ी बूटी है, देख लीजिए पहचान लीजिए। दोस्तों कसौदी के 2 प्रजाति होते हैं। दोस्तों दोनों पौधा झाड़नुमा होते हैं, एक पौधा 4-5 फुट का होता है और एक पौधा 2-2.5 फुट का होता है। जिस पौधे के पास मैं खड़ा हूँ यह पौधा करीबन एक झाड़ी नुमा है लेकिन 2-2.5 फुट का है, बस वो भी कूड़ा करकट में अपने आप उत्पन्न हुआ है। दोस्तों यह कसौदी का पौधा अपने आप ही बरसात के दिनों में कूड़ा करकट में या कहीं भी खाली पड़े मैदान भूमि में अपने आप पैदा होने वाला एक जड़ी बूटी है। दोस्तों इसके फली जो है लंबे लंबे होते हैं गंवार की फली की तरह। जब यह फली कच्चा होते हैं तो हरा हरा होते हैं लेकिन जब सूख जाते हैं तो इस तरह से काला काला दिखाई देते हैं, देख लीजिए दोस्तों। और इसे फोड़ने के बाद इसके अंदर बारीक बारीक बीज निकलता है, वो बीज भी आप देख लीजिए इस तरह से बीज निकलता है। और दोस्तों ये पत्ता इस तरह से पत्ता होता है, नुकीला पत्ता होता है, देख लीजिए पहचान लीजिए। कसौदी जो 2 प्रजाति होते हैं उसमें से जो छोटा पौधा होता है उसे कासमर्द कहते हैं और जो बड़ा पौधा होता है उसे चक्रमर्द कहते हैं। दोस्तों जो बड़ा पौधा होता है जो 4-5 फुट का कसौदी होता है उससे ज्यादा फायदेमंद होता है ये छोटा पौधा जो 2-2.5 फुट का होता है। लेकिन दोस्तों या जंगलों के बीच में या तो फिर बहुत ही कठिनाई से मिलता है और जो बड़ा कसौदी होता है 4-5 फुट वाला हुआ तो हर एक जगह पाया जाता है। दोस्तों मैं भी इस कसौदी को झाड़ी के अंदर पाया हूँ, यहाँ चारों तरफ देख लीजिए झाड़ी है जंगल है। तो दोस्तों इस कसौदी के फूल जो है पीले पीले होते हैं लेकिन इस समय इसमें फूल नहीं लगा हुआ है और फल भी सूख चुके हैं, फिर भी मुझे यह पौधा मिल गया तो मैंने सोचा कि चलो इसका वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा देता हूं ताकि आप लोग इसे पहचान ले कि यह पौधा कसौदी का होता कैसा है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप इस पौधे को पहचान चुके होंगे लेकिन इसका अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, अधिक उपयोग में यह जहरीला होता है। इसके अंदर एक एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं जो हर तरह के जहरीले बैक्टीरिया को नष्ट करता है। यह बहुत ही नामचीन पौधा है और बहुत ही काम का पौधा है, देख लीजिए दोस्तों पहचान लीजिए।
तो दोस्तों एक तरह से एंटीबायोटिक पौधा है, तो एंटीबायोटिक जो भी होते दोस्तों उसके अंदर विटामिन की मात्रा बहुत कम होता है, जिसके वजह से वह पौधा जहरीला भी होता है। तो दोस्तों यह भी पौधा जहरीला है, इसलिए इसका डोज बहुत ही हिसाब से लेना चाहिए। इसे सेवन करने से पहले किसी अच्छे वैद्य से जानकारी ले लेना चाहिए। तो दोस्तों जान लीजिए, पहचान लीजिए, देख लीजिए एंटीबायोटिक, एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल यह पौधा है। तो दोस्तों मैं अपना महत्वपूर्ण जानकारी अब यही समाप्त करता हूँ। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।